हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं पौंडीचेरी स्टेट के बारे में। पौंडीचेरी स्टेट जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है और रजिस्ट्रेशन नीट पीजी 2020 के लिए स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्टिंग डेट 26th of February 2020 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी डेट 6th of March 2020 रखी गई है। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी पौंडीचेरी स्टेट की स्टेट काउंसिलिंग को अटेंड करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन 6th of March 2020 से पहले पहले पौंडीचेरी की ऑफिशियल वेबसाइट www.sentacpuducherry.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पुडुचेरी एक ओपन स्टेट है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और पुडुचेरी स्टेट की जो खास बात है वो ये है कि वहाँ की जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि जब हम कट ऑफ की बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कट ऑफ भी पुडुचेरी की काफ़ी पीछे जाती है, तो हम कट ऑफ की भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पुडुचेरी के तरफ से पब्लिश की गई है, उस इंफॉर्मेशन ब्राउचर में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स दी है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश हो चुकी है पुडुचेरी की ऑफिशियल वेबसाइट www.sentacpuducherry.in और रजिस्ट्रेशन 26th of February 2020 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आखिरी डेट रजिस्ट्रेशन कराने की 6th of March 2020 रखी गई है। आखिरी डेट जो 6th ऑफ मार्च 2020 रखी गई है, उसके बाद एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट स्टेट की तरफ से जारी की जाएगी और वो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जारी करने की जो डेट है वो रखी गई है 10th ऑफ मार्च 2020। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है जिसे 16th ऑफ मार्च 2020 को जारी कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद राउंड वन काउंसलिंग आप सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की 25th ऑफ मार्च 2020 से स्टार्ट हो जाएगी और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो मैंने आपको पहले भी समझाया, इस बार भी बता देता हूँ कि काउंसलिंग सिंपली जो काउंसलिंग है उसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं जिसमें कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, उसके बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है और उसके बाद जब आपकी रिजल्ट आती है तो आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होती है। तो रिपोर्टिंग करने की जो डेट है, जो कॉलेज में राउंड वन की जो रिजल्ट आएगी उस रिजल्ट के बेसिस पे जिस जहाँ पे भी आपको जिस कॉलेज में भी जो भी सीट मिलती है उस कॉलेज में जाकर के आपको एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता है जिसे रिपोर्टिंग कहते हैं। तो रिपोर्टिंग की जो राउंड वन काउंसलिंग की जो रिपोर्टिंग की डेट है वो है 12th of April 2020। फिर आपकी राउंड टू स्टार्ट होगी, राउंड टू स्टार्ट होने की डेट है 20th of April 2020 और राउंड टू काउंसलिंग की रिजल्ट आने के बाद जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिलती है, जो भी सीट आपको मिलती है वहां पे जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, ज्वाइनिंग करनी होगी, एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा। तो वो रिपोर्टिंग राउंड टू के रिजल्ट आने के बाद जो राउंड टू की रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग डेट है वो है 3rd of May 2020। 3rd of May 2020 के दिन आपको राउंड टू काउंसलिंग में जो भी सीट मिलती है उसके एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा। राउंड टू के बाद मॉपअप राउंड स्टार्ट होगी और मॉपअप राउंड की जो स्टार्ट होने की डेट है वो है 5th of May 2020 और मॉपअप राउंड के रिजल्ट के बाद जो आपको रिपोर्टिंग करनी है वो रिपोर्टिंग करने की डेट है 12th of May 2020। तो यहाँ मॉपअप राउंड होने के बाद मॉपअप राउंड तक की जो डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो ब्राउचर में दी गई है। अब जब इम्पोर्टेंट डेट हमें पता चल गई है तो मैं आपको जरा ये बता दूं कि पुडुचेरी जैसा मैंने बोला कि एक ओपन स्टेट है, नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स भी पुडुचेरी की काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और यदि उन्हें सीट मिले तो वहां पे वो एडमिशन पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान कुछ फीस आपको पे करनी पड़ती है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उस केस में 25,000 की रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है और यदि आप नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हैं और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या वहां के डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगी वो 2 लाख रुपीज की होगी। अब देख लेते हैं कट ऑफ। पुडुचेरी में यानी पौंडीचेरी में टोटल 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन तीनों प्राइवेट कॉलेजेस की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ है वो ब्रांच वाइज हम देख लेते हैं कि स्टेट में क्लोजिंग रैंक कट ऑफ ब्रांच वाइज क्या जाती है।
एनेस्थीसिया की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जाती है 75,463 ऑल इंडिया रैंक, डर्मा की क्लोजिंग रैंक जाती है 18,917, ईएनटी की क्लोजिंग रैंक जाती है 64,494, जनरल मेडिसिन की क्लोजिंग रैंक जाती है 47,643, जनरल सर्जरी की क्लोजिंग रैंक जाती है 58,284, ओबीजी की क्लोजिंग रैंक जाती है 47,215, ऑर्थो की क्लोजिंग रैंक जाती है 49,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास, पीडीए की क्लोजिंग रैंक जाती है 48,914। ये जो मैं बता रहा हूँ क्लोजिंग रैंक, ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक है, इसमें जरूर इस बार बढ़ोतरी होगी और जो क्लोजिंग रैंक है वो और भी पीछे जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि गवर्नमेंट सीटें और प्राइवेट सीटें जो हैं क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की, वो प्राइवेट गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी बढ़ रही है, तो उन सीटों के बढ़ने के वजह से, और जहां तक हमें पता है कि डीएनबी की भी सीटें बढ़ रही है, जो जुलाई सेशन वाली सीटें हैं वो इस बार ऐड हो रही हैं, तो इन सब का इन टोटल अगर देखें कट ऑफ, तो पांडुचेरी की जो ये क्लोजिंग रैंक कट ऑफ है इस पे असर जरूर पड़ेगा और ये कट ऑफ और भी पीछे जाएगी। तो ये जो मैं अभी फिलहाल कट ऑफ आपको बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ है। तो आगे बढ़ते हैं, पीडिया के बाद साइकेट्री की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ 78,832 लास्ट ईयर रही थी, रेडियो डायग्नोसिस की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ 26,843, एक बड़ा नंबर है रेडियो डायग्नोसिस, और अगर आप डर्मा को देखें तो 18,917 डर्मा की गई थी और रेडियो डायग्नोसिस की 26,843, तो इन दोनों ब्रांचेस को अगर देखें तो एक बड़ा नंबर है। वहीं अगर जनरल मेडिसिन जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है, अभी फिलहाल जितने भी कॉल्स आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स जनरल मेडिसिन को लेकर के आ रहे हैं, तो जनरल मेडिसिन की भी जो कट ऑफ गई है वो गई थी लास्ट ईयर वो 47,643 गई थी। तो ये जो मोस्ट डिमांडिंग ब्रांचेस हैं उनकी कट ऑफ आप देख सकते हैं कि कितनी पीछे तक जा रही है। उसी तरीके से लास्ट एक और मैं क्लिनिकल ब्रांच के बारे में बता देता हूँ, रेस्पिरेटरी मेडिसिन की क्लोजिंग रैंक 47,422 गई थी लास्ट ईयर। इस साल अगर आप अपने आप को इन रैंकिंग के आसपास पा रहे हैं, अगर आपको जनरल मेडिसिन चाहिए और आप 47,000, 48,000 या 50,000 के आसपास आपकी रैंक है और सस्ते कॉलेज में आपको सस्ते फीस में आपको जनरल मेडिसिन चाहिए, या रेडियो डायग्नोसिस और डर्मा के केस में अगर 20,000-25,000 के आसपास आपकी रैंक है और आपको सस्ती फीस में रेडियो डायग्नोसिस या डर्मा चाहिए, तो आप पांडिचेरी के लिए अपने आप को रजिस्टर जरूर करें, और एक बात कि आपको इसकी काउंसलिंग को अटेंड जरूर करनी चाहिए। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि पांडिचेरी की एक्चुअली में फीस क्या है इन सीट्स के लिए, जो मैनेजमेंट सीट्स हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स हैं जिसपे नॉन डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए फीस क्या है। तो ये जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इसकी फीस बहुत ज्यादा हाई नहीं है, 22,77,000 रुपीज की फीस है ट्यूशन फीस, और इस 22,77,000 रुपीज जो ट्यूशन फीस है, इस फीस में यदि आपको रेडियो डायग्नोसिस डर्मा 20,000-22,000 अगर आपकी रैंक है और आपको मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस स्टेट को अगर आप छोड़ते हैं तो इस रैंकिंग वाले की जो पैकेज जाएगी वो कहीं ना कहीं 30 लाख पर एनम से कम नहीं जाएगी। तो इस चीज को आप देखें, साथ में जनरल मेडिसिन अगर आपकी 50,000 के आसपास रैंक है और आप जनरल मेडिसिन चाहते हैं, तो डेफिनेटली 22,77,000 की फीस में आपको जनरल मेडिसिन 50,000 रैंक लाने के बाद कहीं और नहीं मिलेगी। जब आपकी फीस जाएगी, अगर आप पांडिचेरी स्टेट को हटा देते हैं और अगर आप नॉर्मली नॉर्थ में देखते हैं या किसी और स्टेट में देखते हैं या फिर डीम्ड में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी फीस 35-40 लाख पर एनम के आसपास जरूर आएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि 22,77,000 की फीस में अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे भी है तो भी आपको अच्छे ब्रांचेस मिल सकते हैं, और यदि आप इस चीज का फायदा उठाना चाहते हो तो इस पांडिचेरी स्टेट के लिए आप अपनी काउंसलिंग को जरूर अटेंड करें, और यदि आपको लैंग्वेज को लेकर के इशू ना हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और प्रॉब्लम आपको यहां पर आनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही,
प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको गवर्नमेंट सीटों के बारे में बताया कि स्टेट वाइज गवर्नमेंट सीट्स के लिए क्लिनिकल ब्रांचेस की कट ऑफ क्या जा सकती है, उसमें लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए भी बताया है और अपर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए भी बताया है। तो प्रीवियस की जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं, उसे मैं वीडियो के एंड में एक लिंक दे दूंगा, वीडियो के एंड में आपको वो लिंक मिल जाएगी। यदि आपको काउंसलिंग से जुड़ी कोई भी काउंसलिंग कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के कोई भी डाउट है तो उस वीडियो को भी मैं अपने वीडियो के अंत में लास्ट में एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप उस लिंक को क्लिक करके आप काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। जाने से पहले एक और बात आपको बता देता हूं, काउंसलिंग को लेकर के आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसे आप बनाना, आई होप आपने बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी काउंसलर की हेल्प चाहिए या फिर आपको स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प चाहिए करियर मीडिया की, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर यदि आप चाहते हैं कि हम हमारे तरफ से करियर मीडिया की तरफ से एसोसिएट्स आपको कॉल करें, तो इंक्वायरी फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उस इंक्वायरी फॉर्म को आप फिलअप कर दें, हमारे एसोसिएट्स डेफिनेटली आपको कॉल करके आपकी जो डाउट्स हैं उनके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए ये भी आपको बताएंगे। बाकी आपको अगर करियर मीडिया की पेड सर्विसेज लेनी है तो जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करके आप हमारी पेड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।